ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर टैम मोरिजा, जो एक रशियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। अबांडेड और हॉन्टेड जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज रात रशिया में कई जंगलात के बीच में ऐसे अबांडेड जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले अपनी पूरी इक्विपमेंट घर में प्लेस करते हुए जब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही वो उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर कोई है तो अपने आप को जाहिर कर सकते हो, तो उसके पीछे पर्दा मूव होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये चीज वो नोटिस नहीं करता। लेकिन घर की दूसरे हिस्से से काफी आवाजें सुनाई देते ही जब वो उस जगह को इन्वेस्टिगेट करते है। Если здесь кто-нибудь есть. तो इस कमरे में कुर्सी मूव होते हुए दिखाई देता है। वो दोबारा इस कमरे में आकर उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात काफी भयानक मोड़ लेना शुरू करता है। Блин. Было и сразу. Сразу все ушло. Здесь. Есть кто-нибудь из постороннего мира? Мне кажется, я так всю ночь проведу. Здесь вообще ничего нету. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिवाइस ओपन करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती हुई नजर आता है, जिससे साफ जाहिर है कि उसके आसपास कोई गैबी कुवत है। तो अचानक उसके पीछे पर्दा मूव होते हुए दिखाई देता है, और जब वो उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो उसके लेफ्ट साइड में टीवी का पर्दा ऊपर जाते हुए दिखाई देता है, जैसे उसके अंदर कोई मखलूक अपने आप को जाहिर कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो वो गायब हो जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं, что-то он скрипнул сейчас. Может, правда из-за полов? Потому что я здесь ходил. Полы ходуном ходят. Фонарик. Черт! Черт! Показалось в зеркале, как будто там, где телевизор, кто-то стоял.
क्या आप लोगों ने देखा, उसके राइट साइड की कबोर्ड से आवाज सुनाई देते ही वो उस जानी बढ़ते हैं तो पीछे से कोई धक्का देता है। वो जैसे कैमरा लेफ्ट की ओर रोटेट करता है तो यहीं पर आप लोगों ने एक चीज मिस किया। जैसे वो कैमरा लेफ्ट की ओर रोटेट करता है तो शीशे में वो पर्दा दोबारा ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चंद सेकंड बाद जब वो कैमरा उस जानिब करता है तो वो पर्दा नीचे रहता है, और जब दोबारा वो कैमरा शीशे की ओर लाता है तो वो सब कुछ अपनी जगह पर होता है। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। ты мне можешь показаться в этом зеркале? я хочу тебя увидеть. ты мне можешь показаться в этом зеркале в своем обличии? надо попробовать. Просто еще раз туда положить. Может, это даст какой-нибудь результат. क्या आप लोगों ने देखा, जब वो कैमरा शीशे की जानी प्लेस करता है और दोबारा उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, अगर यहाँ पर कोई है तो अपने आप को जाहिर कर दो, तो जैसे ही वो पीछे पर्दा दोबारा टीवी के ऊपर रखता है तो उसी दौरान एक काली परछाई शीशे में एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए दिखाई देता है। और ये पूरी एक्टिविटीज के पीछे जो मखलूक वो साफ तौर पर कैमरा में कैप्चर हो जाता है, और ये पूरी एक्टिविटीज से तो साफ है कि ये जगह वाकई में हॉन्टेड है। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और ऐसे मजीद खौफनाक वीडियो के लिए इनके चैनल का जरूर विजिट कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर एरिक गनर, जो एक स्पेनिश पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और अबांडन और हॉन्टेड जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसको वहाँ कुछ साइन ना मिला, लेकिन जब वो दोस्तों के साथ उस लोकेशन में कहीं बैठ कर बातें कर रहा था तो उसी दौरान हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिला। Y empezaba a subir la quimera, lo que está hasta arriba, y empezamos a... Vámonos ya. ¿Por qué? Vámonos ya. ¿Por qué? Ahora ve. ¿Qué pena? Algo de haber pasado. Espérense. Vamos a ver. ¿Qué pasó, güey? Ey, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Había alguien atrás, no? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अचानक उनके दोस्त इस लोकेशन से बाहर जाने लगे। एरिक उनसे बार बार क्वेश्चन कर रहा था कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो लोकेशन से बाहर निकलते हैं, उनके दोस्त एरिक को बोलते हैं कि आपके पीछे हमने एक सफेद चेहरा देखा, जिसे देखकर वो लोग काफी खौफजदा होकर इस लोकेशन से बाहर निकल गए। तो क्या वाकई में उन्होंने किसी मखलूक को कैप्चर किया, और या वहाँ पर कोई उनका दोस्त जो ये एक्टिंग कर रहा था? इसके बारे में आप लोगों क्या सोचना है, कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर डार्गोस पैरानॉर्मल, जो एक रशियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। रशिया में कहीं जंगलात के बीच में एक अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले इस लोकेशन की कई जगह पर कैमरा प्लेस करके जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए।
जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही कमरे की जानिब से कुछ आवाजें सुनाई देती ही वो कमरे की जानिब बढ़ते हैं तो दो कबोर्ड मूव होते हुए दिखाई देता है। वो जैसे कमरे के अंदर दाखिल होता है कबोर्डों का मूव होना बंद हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे एक छोटा कबोर्ड जिसका दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखकर काफी खौफजदा होता है और दो कबोर्डों के पीछे अपनी ऑडियंस को दिखाता है कि वहां पर ऐसा कोई सोर्स और या और कोई नहीं है कि उसको वो मूव करे। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा कि काली परछाई कबोर्ड से खिड़की की जानिब जाती हुई दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद बेड के कॉर्नर से काली परछाई दरवाजे की ओर जाती हुई नजर आती है। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो कुछ ये खौफनाक नजारा हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक छोटे कमरे की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जैसे हॉल की जानिब बढ़ते हैं तो उसको ऐसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। कैमरा जैसे रोटेट करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, तो एक कॉर्नर से काली परछाई उसके ऊपर अटैक करती ही वो गिर जाता है। तो क्या वाकई में ये घर हॉन्टेड है और उसने एक रियल घोस्ट को कैप्चर किया? और आप लोगों को बताता चलूं कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने दिन की उजाले में किया था, तो क्या ये मखलूक अपने आप को दिन की उजाले में भी जाहिर कर सकता है? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था रेडिट यूजर शोलोंग पापी। जब वो लाइव स्ट्रीम अपने दोस्तों के साथ कर रहे थे तो उसी दौरान उसके पीछे कुछ ही अजीब सी एक्टिविटीज हमको देखने को मिली। That is end of round number 3. Whoa. Did you guys just see that and hear that? I heard like a bonk. What? Did you not hear that noise? I heard a bonk, yeah. My fucking suitcase just moved across the room by itself. Look, it's right there. That was not there a second ago.
जैसे कि आप लोगों ने देखा, कुछ आवाज सुनाई देते ही पीछे उसका एक बैग मूव होता हुआ दिखाई देता है, जिसे वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। तो क्या वाकई में ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी और या जस्ट इत्तेफाकन हादसा था? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था लियोनम जेएस मैनुअल, जो जनवरी 2021 को एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था, जो अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। जब उस लोकेशन के अंदर एक खिड़की की नजदीक पहुंचते हैं, कुछ ही खौफनाक नजारा हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कैसे खौफनाक आवाज सुनाई देते ही वो कैमरा उस जानिब रोटेट करता है, तो वहीं से एक भयानक जानवर गुजरता हुआ दिखाई देता है। अगर गौर से देखा जाए तो काफी लंबा और उसकी अजीब सा फेस क्लियरली दिखाई देता है। अब लोडर का मानना था कि ये लोबी समम, जो साउथ अफ्रीका की जंगलात में पाया जाता है, और उसकी बॉडी एक मंकी की तरह और उसका फेस एक वुल्फ की तरह दिखाई देता है। आप लोगों में से इस जानवर के बारे में कौन जानता है, और या ये रियल है फेक है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।